हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन था। आज तीसरे दिन क्या क्या हुआ, न्यूजीलैंड ने कितने रनों की बढ़त बनाई और इंडिया अभी कितने रनों से पीछे है, यह सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। मगर दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि दूसरे दिन का मैच ख़त्म होने तक क्या क्या हुआ था, वह सारी जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, कल के मैच ख़त्म होने तक इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स 165 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। उन्होंने 68.1 ओवर खेले थे। उसके बाद न्यूजीलैंड जब कल खेलने आई तो न्यूजीलैंड के कल 71.1 ओवर में 216 रनों पर 5 विकेट गिर गए थे और न्यूजीलैंड ने 51 रनों की बढ़त बना ली थी। और न्यूजीलैंड की तरफ से पिच पर वाटलिंग और साउथ ही नॉट आउट खेल रहे थे। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आज क्या क्या हुआ। दोस्तों, आज का मैच जब स्टार्ट हुआ तो न्यूजीलैंड बैटिंग करने उतरी तो न्यूजीलैंड के आज के दिन का पहला और वैसे छठा विकेट वैटलिंग के रूप में गिरा। वैटलिंग ने आउट होने से पहले 30 गेंदों पर 14 रन बनाए एक चौके की मदद से। उसके बाद टिम साउथी 13 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में एक चौका लगाया। उसके बाद न्यूजीलैंड का 8वां विकेट जेमिसन के रूप में गिरा, लेकिन जेमिसन ने आउट होने से पहले एक समझदारी और अच्छी पारी खेलते हुए 45 गेंदों पर 44 रन बनाए एक चौके और 4 छक्कों की मदद से। वह फास्ट भी खेले वनडे मैचेस की तरह और उन्होंने एक अच्छा खासा स्कोर भी बनाया। उसके बाद न्यूजीलैंड का 9वां विकेट डी ग्रैंड होप के रूप में गिरा। उन्होंने 74 गेंदों पर 43 रन बनाए 5 चौकों की मदद से। दोस्तों, न्यूजीलैंड का लास्ट विकेट बोल्ट के रूप में गिरा। उन्होंने 24 गेंदों पर 38 रन बनाए 5 चौके और 1 छक्के की मदद से। दोस्तों, न्यूजीलैंड की तरफ से डी ग्रैंड होम, जेमिसन, बोल्ट जो कि बॉलर है, इन तीनों ने लगभग 100 रन के आसपास बनाए जो कि बॉलर है। और न्यूजीलैंड के लिए 100 रनों का जो ये स्कोर था, ये काफ़ी मददगार साबित हुआ। दोस्तों, इस प्रकार न्यूजीलैंड के 10 विकेट गिर गए और लास्ट तक एजाज पटेल नॉट आउट रहे। उन्होंने 20 गेंदों पर 4 रन बनाए एक चौके की मदद से। इस प्रकार न्यूजीलैंड अपनी फर्स्ट इनिंग्स में 100.2 ओवर में 348 रनों पर ऑल आउट हो गई थी और इंडिया के ऊपर 183 रनों की बढ़त बना ली थी। दोस्तों, आज इंडिया की बॉलिंग अच्छी रही। इंडिया अभी अपने 5वें बॉलर से तो बॉलिंग करा ही नहीं रही, बल्कि अपने 4 बॉलरों से ही बॉलिंग करा रहे हैं। बुमराह ने 26 ओवर में 5 मैडन देते हुए 88 रन दिए और 1 विकेट लिया। ईशांत ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, उन्होंने 5 विकेट लिए। उन्होंने 22.2 ओवर में 6 मैडन देते हुए 68 रन दिए और 5 विकेट लिए। शमी ने 23 ओवर डाले, 2 मैडन, 91 रन और 1 विकेट। अश्विन ने 29 ओवर में 1 मैडन देते हुए 99 रन दिए और 3 विकेट लिए। दोस्तों, इस प्रकार आज का जो न्यूजीलैंड की फर्स्ट इनिंग्स ख़त्म हुई तो न्यूजीलैंड 183 रनों की अच्छी खासी लीड इंडिया के ऊपर बना चुकी थी, जो कि इंडिया के लिए एक ख़राब संकेत था, क्योंकि इंडिया को पहले तो 183 रनों का टारगेट पार करना था, उसके बाद न्यूजीलैंड को कोई टारगेट देती जीत के लिए या उससे लड़ने के लिए। तो दोस्तों, इंडिया की टीम जब 183 रनों की लीड लेकर और अपना नया स्कोर न्यूजीलैंड के सामने खड़ा करने के लिए, ताकि वह जीत सके या इस मैच को ड्रॉ करवा सके, इस मकसद से अपनी सेकेंड इनिंग्स में जब बल्लेबाजी करने उतरी तो इंडिया का पहला विकेट जल्दी ही गिर गया, जो कि पृथ्वी शाह के रूप में था। पृथ्वी शाह 30 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके लगाए। उसके बाद पुजारा 81 गेंदों पर 11 रन बनाए, कोई चौका कोई छक्का नहीं, वह बोल्ट की गेंद पर बोल्ड हुए। दोस्तों, इंडिया की तरफ से इंडिया का तीसरा विकेट मयंक अग्रवाल के रूप में गिरा। उन्होंने आउट होने से पहले 99 गेंदों पर 58 रन बनाए 7 चौके और 1 छक्के की मदद से। दोस्तों, हालांकि मयंक अग्रवाल ने एक अर्धशतकीय पारी जरूर खेली, लेकिन यह इंडिया के लिए कम थी, क्योंकि आज कम से कम उन्हें शतक लगाने चाहिए था और इंडिया को इसकी ज़रूरत भी थी। मगर दोस्तों, फिर भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा बाकी प्लेयर्स के मुकाबले। इंडिया का चौथा विकेट कैप्टन के रूप में गिरा। विराट कोहली ने आज भी इस मैच में कोई कमाल नहीं दिखाया, कोई वह इंडिया को डूबते हुए बचा नहीं पाए। विराट कोहली आउट होने से पहले उन्होंने 43 गेंदों पर 19 रन बनाए 3 चौकों की मदद से। दोस्तों, इस प्रकार इंडिया के आज 4 विकेट गिरे थे। इंडिया ने आज के मैच ख़त्म होने तक 65 ओवर में 4 विकेट खोकर 144 रन बना लिए थे, लेकिन वह अब भी न्यूजीलैंड से 39 रनों से पीछे है और पिच पर खेल रहे हैं। राणे नॉट आउट हैं। उन्होंने 67 गेंदों पर 25 रन बना लिए हैं 4 चौकों की मदद से और उनका साथ दे रहे हैं हनुमा विहारी। हनुमा विहारी ने 70 गेंदों पर
15 रन बनाए हैं दो चौकों की मदद से। दोस्तों इंडिया को अभी तो 39 रनों की पहले लीड उतारनी है, फिर कोई स्कोर खड़ा करना है न्यूजीलैंड के सामने। अगर वह एक ऐसा स्कोर खड़ा कर पाते हैं कि 2 दिन का टाइम जो होता है या तो वो वेस्ट हो जाए या वह न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दे, तभी यह मैच जीत सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। इंडिया के लिए यह मैच बचा पाना बड़ा ही मुश्किल है इस टाइम पे। आज भी न्यूजीलैंड की बॉलिंग अच्छी रही। न्यूजीलैंड की तरफ से साउथी ने 15 ओवर में 5 मैडन देते हुए 41 रन दिए और 1 विकेट लिया। बोल्ट ने 16 ओवर में 6 मैडन देते हुए 27 रन पर 3 विकेट। डी ग्रैंडहोम ने 14 ओवर में 5 मैडन देते हुए 25 रन दिए और 0 विकेट। जेमिसन ने 17 ओवर में 7 मैडन देते हुए 33 रन दिए, कोई विकेट नहीं। एजाज पटेल ने 3 ओवर में 18 रन देकर कोई विकेट नहीं। दोस्तों आज का मैच खत्म होने तक न्यूजीलैंड की अब भी इंडिया के ऊपर 39 रनों की लीड बाकी है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या इंडिया इस मैच को ड्रॉ करवा सकती है या कहीं उसके जीतने की भी चांसेस हैं। ये हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और क्या न्यूजीलैंड यह मैच आसानी से जीत जाएगी यह भी ज़रूर बताएं। और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।